ओके सो दिस इज़ लेक्चर वन ऑन ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सुना होगा सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है टेंथ का समझ में नहीं आता है ये वो ये वो बट अभी अगर आप इस सीरीज़ के लेक्चर्स ढंग से फॉलो करोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको क्लियर हो जाएगा इट्स वेरी ईजी सबसे ईजी चैप्टर है इन फैक्ट ये तो लेट्स बिगिन और एकदम ध्यान से लेक्चर्स को समझना सो फर्स्ट इज़ ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है इस नाम का तो ये दो वर्ड से मिला मिलाऊ अब मिलकर बना है ग्रीक वर्ड से वन इज चिगनॉन एंड अदर इज़ मेट्रिक ट्रिगनॉन का मतलब होता है ट्राइंगल एंड मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट ओके सो ट्राइंगल एंड मेजरमेंट इससे रिलेटेड है ओके okay? तो अब बेसिकली सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये यूज़ किस में आता है रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है तो सपोज कोई एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है वो एक बिल्डिंग को देख रहा है ठीक है उसके एकदम टॉप पे देख रहा है हाइट पर ओके okay? और उसको पता है कि वो किस डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ओके okay? कितना डिस्टेंस है उस बिल्डिंग से और उसको ये एंगल भी पता है ठीक है तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन यूज़ करके वो इस बिल्डिंग की हाइट निकाल सकता है समझ आ गया तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे ठीक है तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री करता क्या है ट्रिग्नोमेट्री गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ठीक है एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइज और एंगल के बीच में रिलेशन देता है इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज़ करेंगे ठीक है ट्रिग्नोमेट्री में इज दैट क्लियर ओके नाउ हम बात करते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटनियस की ठीक है ये सारी चीज़ें सुनी हुई हैं आपने तो सबसे पहले सपोज ये एंगल है इसके रिस्पेक्ट में हम सारी ट्रिग्नोमेट्री की बातें करेंगे अभी समझ आएगा उससे पहले हम परपेंडिकुलर uh, बेस और इन सब के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो हाइपॉर्चनियस क्या होती है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ये तो पता है ठीक है द लॉन्गेस्ट साइड ओके अब बेस क्या होता है बेस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा होगा जैसे ये परपेंडिकुलर है इसका जो फुट है इसका जो फुट है उसे क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे समझ आ गया तो अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसके लिए हाइपोटिनियस तो यही है इसका परपेंडिकुलर ये है ठीक है उसकी हाइट और ये बेस है क्लियर है ये चीज़ ठीक है ये जो लिखा है सिंबल ये है थीटा ये ग्रीक सिंबल होता है जो हम इधर यूज करेंगे ठीक है कुछ नहीं है डिज़ाइनर ओ है ओके एंड ये एक और सिंबल है जो यूज़ कर सकते हैं दिस इज फाइव ठीक है साइंस में आप पढ़ोगे इन सारे सिंबल्स के बारे में ओके तो इधर मेन चीज़ हमको ये समझनी ये तीनों तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं अभी तो देखो हम लोगों को एच पी और बी आइडेंटिफाई करना है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटीनियस ठीक है तो आइडिया क्या है जो लॉन्गेस्ट साइड रहेगी वो तो आपके हाइपोटीनियस है वो तो बिल्कुल क्लियर है ठीक है अब कंफ्यूजन होता है परपेंडिकुलर में और बेस में तो याद रखो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो उसके जस्ट सामने वाली जो साइड है इट इज़ परपेंडिकुलर और जो उसके साथ लगी हुई है इट्स बेस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें थीटा ठीक है तो लॉन्गेस्ट साइड तो दिख रही है ये है तो ये क्या हो गया आपका एच हो गया इसके जस्ट सामने वाली जो हाइट है इट इज़ परपेंडिकुलर और इसके साथ जो है वो है बेस इज दैट क्लियर देखो अब सेकेंड एग्जाम्पल में आपको और क्लियर हो जाएगा ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये नाइन्टी डिग्री है ठीक है लॉन्गेस्ट साइड ये है ऑफकोर्स तो ये क्या हो गई एच अब इधर देखो ये वाले एंगल की बात नहीं कर रहे हम ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं दिस इज़ योर थीटा ठीक है तो परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के जस्ट सामने ये वाला ये वाले साइड ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसके साथ जो है थीटा के वो क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा ठीक है लास्ट एग्जाम्पल देखो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल लेकिन इधर ये है नाइन्टी डिग्री तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी लॉन्गेस्ट साइड विल बी एच ये लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है वैसे जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट में एच होता है ठीक है जिस एंगल थीटा की आप बात कर रहे हो उसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होता है और जो एंगल जो बच गया वो क्या होता है आपका बेस तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगा आपका हाइपोटीनियस लॉन्गेस्ट साइड अगर दिख रही है तो ऑब्वियसली वही एच है अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देख सकते ठीक है थीटा दिस इज योर थीटा ओके okay, थीटा के सामने थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर तो ये उसके सामने परपेंडिकुलर और जो बच गई साइड यानी थीटा के साथ में वो क्या हो गया बेस तो ये ढंग से प्रैक्टिस कर लेना वरना आगे का लेक्चर समझ नहीं आएगा ठीक है पी बी एच आइडेंटिफाई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ओके नाउ वी मूव टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते क्या है देखो हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े हैं फंक्शंस जैसे एफ़ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर कोई बोले आपको तो इसमें क्या होता है एक्स की जगह अगर आप कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा जैसे एफ़ ऑफ टू क्या होता है टू का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे यानी फोर हो जाएगा ठीक है उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी फंक्शन होते हैं बस इधर जैसे आप एक्स पुट करते हो यहाँ पे थीटा यानी एंगल की वैल्यू पुट करते हो थर्टी डिग्री ट्वेंटी डिग्री फोटी फाइव डिग्री ऐसे ठीक है ये सारी चीज़ें तो इसमें कुछ डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो इसमें पहला है साइन थीटा ठीक है साइन थीटा ये एक फंक्शन है और थीटा मतलब एंगल इधर एंगल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे ठीक है ये है कॉस थीटा सीओ एस कॉस थीटा ठीक है नेक्स्ट है टैन थीटा टैन का फुल फॉर्म होता है टैनजेंट ठीक है तो टैंजेंट बोलो या फिर टैन थीटा ठीक है उसी तरीके से कॉट थीटा दिस इज योर कोटैंजेंट ठीक है जिसको शॉर्ट में हम कॉट लिखते हैं ठीक है उसके बाद है आपका सेक थीटा सेक वैसे सीकेंट होता है सीकेंट थीटा बट उसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं सेक थीटा एंड नेक्स्ट इज cosec थीटा ये क्या होता है को सिकेंट थीटा ठीक है अभी घबरा मत जाना ये सब सुनकर आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम समझ आ जाएगा बस इस लेक्चर को आप एक से ज़्यादा बार देखना तो अच्छा होगा ठीक है तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की हम बात करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा अब ये थीटा क्या बोलूँ थीटा एक, एक एंगल का सिम्बल है ठीक है कोई तोप नहीं है कोई भी एंगल हो सकता है ये साइन ए लिख लो साइन बी लिख लो साइन थीटा साइन क्यू साइन यू कुछ भी लिख लो ठीक है मैंने सिंबल थीटा यूज किया और राइट ठीक है तो अब ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े हैं इनका फॉर्मूला हमें आना चाहिए तो इस फॉर्मूले पे चलते हैं दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है दिस इज नाइन्टी डिग्री और हम थीटा ये लेके चल रहे हैं मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमें रेशोस फाइंड आउट करने इस एंगल के लिए ठीक है तो सबसे पहला काम क्या है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटीनियस मार्क करना है ठीक है तो देखो बहुत ईजी है ये नाइन्टी डिग्री है नाइन्टी डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा एच हाइपोटीनियस ठीक है थीटा है थीटा के ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर तो ये आपका परपेंडिकुलर है और बचा क्या बेस समझ आ गया तो पी एच बी सारे फॉर्मुलाज इसी के टर्म्स में होंगे ठीक है सबसे पहले है साइन थीटा साइन थीटा इज पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइप्रोटीनियस जो भी वैल्यू होगी कॉस थीटा इज बी अपॉन एच ठीक है टैम थीटा इज पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा इज एच अपॉन पी देखो साइन का एकदम उल्टा है कोसेक साइन क्या था पी अपॉन एच था कोसेक क्या हो गया एच अपॉन पी हो गया सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है एच अपॉन बी होता है ठीक है और जो ये कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है ठीक है अगर आप ये लेक्चर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मतलब आपको साइन कॉज टैन इन सब की वैल्यू नहीं पता है इनके टर्म्स में तो आप पॉज करोगे इसको याद करोगे और फिर आगे पढ़ोगे अदरवाइज समझ नहीं आएगा ठीक है एंड अगर पहले से आता है देन गुड टू गो ओके तो ये फॉर्मूलाज हैं छह याद रखने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं ठीक है ठीके? अब देखो आगे मैंने कुछ रिलेशनस लिख रखी हैं इसके टर्म्स में ध्यान से देखो मैंने लिखा है कि जो कोसेक थीटा होता है इट इज़ वन अपॉन साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कैसे देखो तो साइन थीटा क्या है पी अपॉन एच का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस कोसेक थीटा क्या हो गया हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब जस्ट उल्टा तो ये जो मैंने रिलेशन लिखा है वो सही है कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है ठीक है या फिर साइन कोसेक का उल्टा होता है वन एंड द सेम थिंग ठीक है जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है क्योंकि देखो कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच ठीक है और सेक की वैल्यू होती है एच अपॉन बी ओके तो ये जस्ट ऑपोजिट होता है तो सेक थीटाइज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस थीटा लिखो या फिर कॉस थीटाइज इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा लिखो ठीक है नेक्स्ट इज कॉट थीटाइज वन अपॉन टैन थीटा ये तो मैंने पहले ही बता दिया था टैन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कॉड आपका होता है बेस अपॉन पर ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी मैं रिपीट कर रही हूँ ये वैल्यूज जब तक याद नहीं करोगे आप आगे का लेक्चर नहीं समझ सकते ठीक है तो ये ऑपोजिट है तो कॉर्ट थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन टैन थीटा बोलो या फिर टैन थीटा इज ईगल्स टू वन अपॉन कॉर्ट थीटा बोलो वन एंड द सेम थिंग ठीक है नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो टैन थीटा होता है अगर उसको साइन और कॉस के टर्म्स में हमें लिखना हो तो इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इट इज़ साइन कॉस थीटा कैसे आता है देखो ध्यान से एल एच एस क्या आपका टैन थीटा टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस सो दिस इज योर एल एच एस ठीक है दिस इज योर एल एच एस नाउ मैंने कह लिखा साइन कॉस थीटा तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस डिवाइडेड बाय कॉस्थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटीनियस तो एच से एच कैंसिल हो गया बचा क्या पी अपॉन बी और वही हमारा एल एच एस था ठीक है तो ये वेरीफाई हो गया उसी तरीके से जो कॉट थीटा होता है वो टैन का ऑपोजिट होता है ना तो अगर ये साइन अपॉन cos कॉस था तो ये कॉस अपॉन ऑन साइन हो गया ठीक है सिंपल इसे भी आप सॉल्व करके देख सकते हो नाउ अब जब आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई हों, आई रिपीट याद करनी है आगे करने से पहले ठीक है इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी द नेक्स्ट द क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा एंड फाइव इसका मतलब क्या हुआ कि पहले थीटा को एंगल लेते हुए सारे आपको निकालने और फिर फाई को एंगल लेना है ठीक है तो सबसे पहले हम थीटा की बात करें अच्छा पहले फाई की बात करते हैं ओके okay. फाई के लिए मैंने सॉल्व कर रखा है ओके okay. तो जब हम फाई की बात कर रहे हैं तो फाई के लिए पर पेंडिक्युलर क्या होगा फाइव उसके ऑपोजिट साइड वाला तो पी हो गया आपका फाइव ठीक है बेस उसके साथ वाला यानी ट्वेल्व और सबसे बड़ी साइड तो दिख रही है आपको थर्टीन तो पी बी एच अगर पता चल गया तो निकालना ईजी है ठीक है साइन क्या होता है ये मैंने थीटा लिख दिया है ये पे फाइव है साइन फाइव क्या होगा पी अपॉन एच यानि फाइव अपॉन थर्टीन सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट की है टेन फाइव क्या हो जाएगा आपका पी अपॉन बी यानी फाइव अपॉन ट्वेल्व ओके कोसेक फाइव क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन पी यानी थर्टीन अपॉन फिफ्टीन ठीक है उसी तरीके से आप कॉस फाई कॉट फाई और सेक फाई निकाल सकते हो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है दैट्स इट ठीक है ये हमने किसके टर्म्स में किया था फाई के लिए यहाँ पे आप एंगल सी भी बोल सकते थे ठीक है ज़रूरी नहीं है तो मैंने सिंबल लिख दिया अदरवाइज़ आप साइंस सी लिखो टैन सी लिखो तो भी एक ही बात है दिस वॉज फॉर योर फाई ओके अब हमें अगर थीटा के लिए करना है तो थीटा के लिए देखो जब हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा उसके जस्ट सामने वाली साइड यानी ट्वेल्व बेस क्या हो जाएगा उसके लिए उसके साथ जो है यानी फाइव और हाइपोटीनियस तो सेम ही रहेगा क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड तो एक ही है ना थर्टीन ठीक है अब थीटा के लिए आपको नए पी बी एच मिले हैं तो उसको यूज़ करके आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालोगे ठीक है ये आप खुद कर सकते हो और सारी वैल्यूज सब्सिट्यूट करने के बाद फॉर्मूला यूज़ करने के बाद यू कैन चेक इट फ्रॉम यूर कि साइन थीटा की वैल्यू आइए ट्वेल्व बाय थर्टीन कॉस की आइए फाइव बाय थर्टीन कोसेक इज थर्टीन बाय ट्वेल्व एंड सेक इज़ ट्वेल्व बाय थर्टीन ठीक है सो यू कैन चेक दिस ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी ए बी इज एट ए सी इज़ फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ ए ठीक है पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ये ट्राइंगल जरूरी नहीं है कि आपको बनाकर दें ठीक है तो बहुत ईजी है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डाट बी तो मतलब ये तो क्लियर है कि बी राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए जिसके लिए पूछा गया है उसको थीटा नाम दे दो ठीक है या फिर ए बी रहने दे सकते हो नॉट अ बिग डील ओके अब इन्होंने क्या बोला है कि योर ए बी इज एट ओके ए सी सेवनटीन अब बी सी नहीं गिवेन है आपको पता है कि हमें बी एच पी सब कुछ चाहिए होता है तो एक साइड नहीं गिवन है तो क्या करेंगे ऑब्वियसली दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल तो वी कैन ऑलवेज यूज़ पाइथागोरस थ्योरम ठीक है पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटीनियस स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर ठीक है ए बी क्या है आपका एट है तो एट का स्क्वायर इज सिक्सटी फोर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू का स्क्वायर इज टू एटी नाइन और राइट तो यहाँ से बी सी स्क्वायर क्या गया टू एटी नाइन माइनस सिक्सटी फोर विच इज टू ट्वेंटी फाइव तो बी सी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ़ टू टू फाइव टू टू फाइव का अंडर रूट होता है फिफ्टीन ये याद होना चाहिए ठीक है अदरवाइज़ यू कैन सॉल्व तो हमारे पास थर्ड चीज़ भी आ गई बी सी आ गया हमारे पास कितना आ गया फिफ्टीन आ गया और राइट right. अब हमें चाहिए किसके लिए हमें ए के रिस्पेक्ट में चाहिए ए के रिस्पेक्ट में तो पी बी एच की वैल्यू लिख लो पी क्या हो जाएगा उसके जस्ट ऑपोजिट यानी 15 ठीक है बेस क्या होगा 8 एंड हाइपोटीनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड विच इज 17 तो अगर एक बार पी बी एच पता चल गया तो बाकी सारे रेश्योस तो आप लिख ही सकते so, हो ठीक है सो साइन थीटा क्या होगा पी अपॉन एच यानी फिफ्टीन अपॉन सेवेंटीन थीटा हो जाएगा बी अपॉन यानी एट बाय टैन थीटा इज पी बाय बी विच इज़ फिफ्टीन बाई एट कॉट थीटा इज टैन का उल्टा एट बाय फिफ्टीन कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा होता है तो ये फिफ्टीन बाय सेवनटीन है तो सेवनटीन बाई फिफ्टीन आप डायरेक्टली फार्मूला भी यूज कर सकते हो बट जनरली ये याद रखो कि कोसेक साइन का उल्टा है सेक कॉस का उल्टा है एंड कॉट टैन का उल्टा है ठीक है इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे सो सेक थीटा इज सेवनटीन बाई एट इज वैट क्लियर सो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना नेक्स्ट ओके इन triangle ACB given in गिवन इन द फिगर फाइंड theta plus थीटा square theta, cos थीटा minus स्क्वायर square theta and थीटा एंड दिस पर्टिकुलर थिंग ओके सबसे पहले क्वेश्चन में ये देख लो कि थीटा क्या है थीटा ये है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा थ्री एंड हाइपोटीनियस कितना हो जाएगा फाइव एक बार ये तीनों चीज़ें फिगर आउट कर ली देन इट्स वेरी इजी ठीक है अब देखो एक चीज देखो तीनों पार्ट्स में साइन और कॉस के टर्म्स में बात की गई है तो हम साइन और कॉस निकाल लेते हैं और फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच विच इज़ फोर बाय फाइव एंड कॉस्ट थीटा क्या होता है बी अपऑन एच दैट इज थ्री बाय फाइव तो साइन मिल गया कॉस्ट मिल गया अब क्या करना है डायरेक्टली बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा देखो इसका मतलब क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में वैसे मैंने अच्छे से बता बताया है कॉस स्क्र थीटा यहाँ पर अगर पार्ट टू लगी इसका मतलब है कॉस थीटा का होल स्क्वायर ठीक है इसका मतलब क्या होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर उसी तरीके से इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर ठीक है ओके तो इसको करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा थ्री बाई फाइव का होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर विच इज़ फोर बाय फाइव का होल स्क्वायर सो विल गेट नाइन बाई ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव एल सी एम अगर सेम है तो ऐड कर दोगे न्यूमरेटर्स को सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर दोगे विल गेट ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फाइव विच इज़ वन ठीक है आगे के चैप्टर्स में आप आइडेंटिटी भी पढ़ोगे कि नो मैटर वॉट योर एंगल इज़ साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल इज ऑलवेज वन ठीक है हमेशा वन होता है साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज वन नो मैटर वॉट योर एंगल इज ओके नेक्स्ट इज योर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइंस स्क्वायर थीटा तो इसको भी सॉल्व कर लो थ्री बाय फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर बाय फाइव का होल स्क्वायर आई गेस द आंसर इज माइनस सेवन बाई ट्वेंटी फाइव ओके सॉल्व इथ लास्ट ये पर्टिकुलर चीज ठीक है वैल्यू रखो वन प्लस फोर बाय फाइव हो जाएगा ये ये वन माइनस फोर बाय फाइव और डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस्ट सीट है यानी वन प्लस थ्री बाय फाइव इंटू वन माइनस थ्री बाय फाइव ठीक है ये आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी तो ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस फोर बाय फाइव का स्क्वायर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा वन वन स्क्वायर माइनस थ्री बाय फाइव का स्क्वायर ओके सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर ओके अब ये लेक्चर तो खत्म हो गया है जस्ट रिमेंबर प्रैक्टिस द फॉर्मूलाज जितना हो सके उतनी बार ठीक है